वसूली के कारण संबंध में सरकार ध्यान आकर्षित कर रही है। मैं चेयरमैन भाई है, चेयरमैन भाई है, मैं चेयरमैन भाई है। या नहीं, या नहीं, या नॉट अलाउ। आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू, आई विल नॉट अलाउ यू। आई सेड मैं आपको बाहर अच्छा लगता है, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर निकाल लूंगा। नीचे जाए, नॉट अलाउ। प्रदेश में राज्य राजमार्गों एवं कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियम विरुद्ध टोल वसूली के बुढ़ा साहब बुढ़ा साहब आपको रोका जा रहा है, आप क्या करेंगे? यहाँ बैठेंगे धरने पर या बताएंगे? बताएंगे आपको बताएंगे। मेरे कांग्रेस के साथ 5-7 लोगों ने मेरे गुस्से मारे। गुस्से मारे कहाँ? सदन में। कौन लोग थे, आप नाम ले सकते हैं? हाँ जी, तो 2-3 मंत्री थे, लात भी, एक दो गुस्से भी, 2-4 लात मारी। धारीवाल जी भी थे क्या? धारीवाल जी भी मारा। धारीवाल जी ने क्यों मारा? क्यों क्यों पहल क्या हुई? किस लिए बोलना चाह रहा था? मैंने कहा धारीवाल जी भी स्पीकर से मैं बोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं बोलना चाह रहा था, मेरा पक्ष रखना चाह रहा था। मुझे हाउस के अंदर से मुझे बर्खास्त किया गया, मेरी गलती क्या? मैं पूछना चाह रहा। आप फिर लाल डायरी लहराने लगे अध्यक्ष जी के पास लेके मेरे से छीन लिया। क्या कहना चाह रहे थे कि वो लाल डायरी छीनना चाह रहे थे? मैं देना नहीं चाहता। कॉपी रखी आपने? कॉपी बहुत आगे की डायरी में क्या रहा सर? वो क्या कहना चाह रहे थे आप अध्यक्ष से कि लाल डायरी आप देना चाह रहे थे, उसमें क्या दिखाना चाह रहे थे? डायरी में उनको उनकी मौत थी इसलिए उन्होंने छीन लिया। साहब उसमें पैसे का हिसाब था क्या? पूरा सामान है, आधा ही था। साहब उसमें पैसे का हिसाब था क्या जो विधायकों को दिए गए सरकार बचाने के लिए? एमएलए को जो वो पैसे भी थे, राज्यसभा में लोगों को खरीदा वो पैसे भी, राठौर का भी हिसाब था, सबका हिसाब था। किस 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 निर्दलियों को कितने पैसे दिए, कितने कितने पैसों का निर्दलियों कितने कितने वो और मेरे पास दूसरी उसकी कॉपी, दूसरी कॉपी हो रही है। करोड़ों का हिसाब किताब था क्या? करोड़ों का हिसाब किताब था उसमें? अरे बहुत, 200 दूसरा हो रहा है मेरे पास। अब आपको अंदर नहीं जाने दिया रहा है, तो बाहर जाएंगे या यहीं हमारी भी नहीं तो आपकी नौकरी क्या करेगी? मैं दंडा ने मुझे चुन के भेजा, मैं बहन बेटियों के सम्मान के लिए आया हूँ। मुझे हमारे क्षेत्र की बहन बेटियों ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे यहाँ भेजा है इस क्षेत्र के अंदर। मैं हमारी बहन बेटियों की बात उठाऊँ यहाँ उनके साथ, मैं वो सारी बातें रखना चाह रहा था जिसके अंदर आज से 1990 के अंदर वो फिल्म बनी है, और इस फिल्म के अंदर अशोक जी गहलोत भी उसके अंदर अब कपड़ा मंत्री थे, किस प्रोटोकॉल के तोड़ के और अजमेर के एसपी से मिलने के लिए क्यों गए और कुछ किस एसपी क्या क्या सम्मानित किएगा? अजमेर 92 की बात कर रहे हैं? अजमेर 92 की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या रोल था सीएम साहब? इस सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार्को टेस्ट कराओ, ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, चाहे महेश जोशी का, तो यदि सचिन तेंदुलकर है वो महिलाओं के साथ दुष्कर्म के, उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए महिलाओं के दुष्कर्म में। यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे? ये सारे इन्वॉल्व थे वो, इनकी इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। मेरे ऊपर ये चार्ज लगा रहे कि मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। मैंने इनको 2008 में इनके अच्छे कामों की वजह से मैंने सोचा अच्छे काम करेंगे, नौजवान के लिए काम करेंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेंगे। हमने एक अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के आए थे। आप क्या मांग करते हैं? किसका किसका नार्को टेस्ट होना चाहिए? धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए इनको, और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है, और इसमें मिली भगत कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत रही है। बस सोचे मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं इन्होंने। जिस तरीके से ये डोटासरा जी कह रहे हैं, रंधावा कह रहे हैं माफी मांगू, किस चीज की माफी मांगू? मैं चलता हूँ, पूछ रहा था, मैं बोलना तो चाह रहा था। क्या बोलना चाहते थे आप? लाल डायरी छीन ली उन्होंने मेरे को, आप लाल डायरी ले वो छीन ली। किसने छीन ली गुड़ा साहब लाल डायरी?
अमीन था, रफीक था, ये हमारे महेंद्र चौधरी महेश सचिन, आपके साथ सदन में चीफ मिनिस्टर, आपके साथ सदन में चीफ मिनिस्टर हमेशा दिक्कत में मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया आपको। मुझे सारे कांग्रेस के मंत्री और विधायक मुझे उन्होंने मुझे दबा लिया टोटल, और उसके बाद में मार्शल के आगे सब राजन गुड़ा जी क्या चाहते थे, क्या चाहते थे आपकी? मेरी बात रखना चाह रहा था, मैं महिला सुरक्षा के लिए, महिला दुष्कर्म के लिए बोलना चाह रहा था, उसमें मैं बोला था। तो मेरी बात आज मैं मंत्री नहीं रहा, विधायक के रूप में पहली बार मेरी बात रखना चाह रहा था। लाल डायरी में क्या खुलासा करना था? वो उन्होंने छीली हुई सारी बातें मेरे पास। अरे कुछ तो बता दे। राजेंद्र जी, सीपी जोशी जी ने कहा कि मेरे कमरे में आके पहले बात कर ली, तो वो तो वहाँ बैठे थे कमरे में। राजेंद्र चले गए। अब क्या रैली थी आपके आगे? तो बता दूंगा। आप जा रहे हैं अभी? आप जा रहे हैं क्या? ये सदन में रहेंगे? सदन में तो उन्होंने मुझे पता नहीं कब तक निकाला। नहीं, निकाला कहाँ है आपको? आपको हिमाचल से निकाला क्या?